प्रेज द लॉर्ड, पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया, धन्यवादिशु धन्यवादिशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा। आपको दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, क्योंकि आज खुदा आपकी जिंदगी में एक नया जीवन दिया है, आपकी एक नई उम्मीद दी है। परमेश्वर ने एक नया आपके जीवन में काम देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, और हर एक प्रकार के काम आपके सफल होने जा रहे हैं। जो भी आज आप काम करने जा रहे हैं, इस प्रार्थना को आप करके जाइए, क्योंकि खुदा आपके जीवन में बरकत और आशीष देगा। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपकी जीवन की हर एक प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा हमें एक नया जीवन, एक नई उम्मीद, एक नई सोच आप देने वाले यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता, जो भी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दिल में, हमारे मन में जो भी किसी प्रकार की बुरी भावना है, यीशु नासरी के नाम से मिटा दे, यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर वचन कहता है, आज हमें बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है घमंड के विरुद्ध परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है। आज बहुत सारे लोग हैं जो घमंड करते हैं और कहते हैं आज क्या है, कल क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हमें आपको और आपको, आपके परिवार को और सभी लोग मिल करके इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य घमंड करता है वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होता है, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बातें हैं तो आज से निकालना शुरू कर दें, आज से निकालना उसे शुरू कर दें, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी को छूने के लिए है, पिता परमेश्वर आपकी जिंदगी को ब्लेसिंग करने के लिए है, आपको आशीष देने के लिए है। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन ना दिया होता तो आज आवाज आप सुनना होते, आज प्रार्थना आप ना करते होते, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपकी एक नई जिंदगी दी है। बहुत मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने एक नया सूर्योदय किया, हर एक मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने जिंदगी दी, और परमेश्वर ने कहा कि जा, तुझे मैं आज जीवन देता हूं और तेरे जीवन के हर एक कार्य सफल होंगे यदि तू संपूर्ण मन से भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, और खुदा आपकी जिंदगी को छूने के लिए है, इस नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपके बेटे और बेटियां जिस समय तड़प रहे हैं, जो रो रहे हैं, आज जो परेशान हैं, जो हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, जो शैतानी ताकत से आज वो लड़ रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं जानता हूँ खुदा उनकी जिंदगी में आप काम करेंगे, उनकी हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वो संपूर्ण मन से इस वचन को सुनना, जैसे हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 13 में लिखा है, तुम जो कहते हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। जितने भी मसीह भाई बहन, आज हमें ध्यान से वचन सुनने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से और सच्चे मन से सुनते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। आज आप भटक रहे हैं, आज आप भाग रहे हैं इधर उधर, नहीं, आपको भागना नहीं है, आज आपको प्रार्थना करना है। सुबह के टाइम, भोर के समय परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, और परमेश्वर कहता है तो सुबह के टाइम या किसी भी टाइम प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपको आशीषें मिलेंगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके पैसे में बरकत होगी, आपके जीवन में आशीषें आएंगी, आपके जीवन के हर एक प्रकार के जो अनेक रास्ते बंद पड़े हैं वो खुलने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है घमंड के विरुद्ध परमेश्वर ने चेतावनी दी है, कहा है 13 में लिखा है, तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर के वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करेंगे और व्यापार करके हम लाभ कमाएंगे। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जिस तरीके से लोग सोचते थे कि आज यहाँ नहीं तो कल हम कहीं और जाकर के, लेकिन ये बात को भूल गए हैं कि परमेश्वर भी है, परमेश्वर भी है, आप कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता
कहता है, आज या कल किसी और नगर में हम जा करके एक वर्ष बिताएंगे और वहाँ पे व्यापार करेंगे और व्यापार करके हम लाभ कमाएंगे, यानी यहाँ पे काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, कहीं भी किसी भी स्थान में जा करके लाभ कमाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन 14 में कहता है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। क्या आपको इस बात का पता है कि कल क्या होगा? नहीं पता है। क्या हमें पता है कि कल क्या होगा? नहीं पता है। या आपकी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है, सुन लो, तुम्हारा जीवन ही है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा जीवन ही है क्या? परमेश्वर ने कहा है, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी ही देर दिखाई देते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, और ये बात सत्य है, मनुष्य का जीवन कोई यहाँ पर वर्षों वर्षों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया है, परमेश्वर ने एक समय दिया है जीने के लिए। तो आज जो आप भटक रहे हैं, आज जो आपके रास्ते बंद पड़े हैं, जो आप रोते हैं, जो आप बिलखते हैं, आप बहुत परेशानियों को सामना करते हैं, खुदा ने कहा है, परमेश्वर का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है कि तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं संपूर्ण मन से, यदि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है और उस खुदा पर डाल देता है कि हाँ खुदा, मैं जानता हूँ परमेश्वर कि मेरी में जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, तो जो चाहता है पिता परमेश्वर वही मेरे जीवन में हो। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, जब हम आगे देखते हैं, लिखा है, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर में दिखाई देती हो, फिर लोप को लोप हो जाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवन जीवित रहेंगे और यह वह काम भी करेंगे, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। तो ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए यह पाप है। परमेश्वर ने कहा है, ये वचन को ध्यान से सुनिए आप फिर से, आपको ये कहना चाहिए परमेश्वर से, यदि प्रभु चाहे, यदि मेरा परमेश्वर चाहे मुझे जीवित रखेगा और हम जीवित रहेंगे और हम ये कहेंगे कि जो भी हमारे काम हैं वो सफल होंगे और परमेश्वर हमारी उसमें मदद करेगा। यदि जो इंसान अपने आप को ढींग मारता है, यानी घमंड करता है या घमंड रखता है, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा सब बुरा ही होता है। इस बात को याद रखना, जो घमंड रखते हैं, जो अपने आप को ढींग मार समझते हैं कि नहीं मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास शोहरत है, बहुत सारे लोग आए, पैसा धन दौलत शोहरत वाले सब मिट गए। इस बात को याद रखना, खुदा ने कहा है, उसके ऐसी परमेश्वर ने हालत की है कि आने वाले समय में जब वो लोग मरते हैं तो ऐसा भी नहीं नसीब होता है कि वो अपने घर पे जाके मरे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, जो घमंड करते हैं अपने आप में कि नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, वो बुरा होता है। इस बात को याद रखना, आज से ये कहना कि खुदा तू जो चाहता है मेरे जीवन में हो, परमेश्वर तू जो चाहता है मेरे जीवन में संपूर्ण मन से पूरा हो और जो भी मैं काम करता हूँ उसमें सफलता मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग है, वो मेरे संग चलने वाला मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा हर काम सफल होगा, तेरे जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, हर प्रकार की, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे धनवानों सुन लो, तो तुम अपने अपने आने वाले क्लेशों से चिल्ला चिल्ला कर रोओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जो धनवान लोग हैं, जो पैसवान हैं, जो रूपवान हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमारे पास बहुत कुछ है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य कहता है कि तुम्हारा मन है जो धन से बिगड़ गया है। आज परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज जितने लोग घमंड करते हैं, आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो करते यीशु नासरी के नाम से। हम आपकी
सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। पिता परमेश्वर जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं, पिता परमेश्वर इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास करके बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करिए यीशु नासरी के नाम से और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करें यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें प्लीज करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परमपिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियों से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी से, दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, सीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय चिड़ी थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के गठिया से लोग रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हृदय रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को, अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से। उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए आज आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को करके आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो,
यीशु नासरी के नाम से, वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर, हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी ज़िंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आज चार्ज किया, यीशु नासरी के नाम से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख जो भी है यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हो यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है, हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन में, पिता मैं बहुत दुख में हूँ, मुसीबत में हूँ, पिता मेरी सुधि लें, पिता परमेश्वर मुझे याद करें, पिता मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियाँ हैं पिता परमेश्वर उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी चीन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है, जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओ के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएं और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह मिलाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन,
धन्यवाद करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से, हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज आज उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।